अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही सॉफ्ट सा पिंक सा आई मेकअप लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही मिनिमल सा मेकअप है। इसको आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी कर सकती हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, या फिर जो वर्किंग वुमेन है वो भी कर सकती हैं। तो कॉलेज का आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगा होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो कॉलेज के लिए भी मेकअप करती हैं। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही लाइट सी फाउंडेशन लगा ली पूरे आईलिड के ऊपर और फेस के अराउंड, जो आईज़ के अराउंड जो मेरा फेस नज़र आ रहा है वहाँ पे भी। तो आप उसके अकॉर्डिंग पूरे फेस पे लगाएं। मैं पूरी आँख पूरा फेस नहीं दिखा सकती, तो जो एरिया दिखा सकती हूँ बस उसी एरिया पे आपको लगा के दिखा रही हूँ। मैंने यूज़ की है क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक आईब्री शेड में, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ले के लगाई है। और आईब्रोज़ को मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फिल किया और मैंने आईलिड के ऊपर, पूरे आईलिड के ऊपर मैट पिंक आई शेड लगा के उसके ऊपर जो क्रीज एरिया है, आईलिड एरिया जो नीचे वाली साइड पे, मैंने शिमरी सा शेड थोड़ा सा लगा के लोअर लैश लाइन पे भी मैंने वही शेड लगाया है। इससे बहुत ही खूबसूरत से लुक, ऐसे वेट से लुक आती है इस शेड से, बहुत ही प्यारा ये शिमरी सा शेड है। और अब थोड़ी सी आंखों में डेप्थ लाने के लिए मैं थोड़ा सा डीप ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ सिर्फ आउटर कॉर्नर पे, और लोअर लैश लाइन पे मैंने थोड़ा सा लगाया है। मैं ब्राउ बोन को वाइट शिमर या शेड के साथ हाईलाइट कर रही हूँ। टियर डक्ट को भी मैंने वाइट शेड के साथ ही हाईलाइट किया है। आईलाइनर मैं इंग्लोट का यूज़ कर रही हूँ, इंग्लोट का जेल लाइनर है। मेरी लैशेस पे ग्लू लगी हुई है क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो शूट की है, तो इस वजह से वो थोड़ी सी ग्लू मेरी आईज़ पे रह गई थी। वो मुझे वीडियो शूट करते हुए तो नहीं नज़र आए, लेकिन अभी मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता चला है। तो काइंडली इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिए। तो आईज़ का जो कॉर्नर है उसको भी मैं अच्छे से बना लूँगी। आईलाइनर चाहे आप ज़्यादा बोल्ड नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल मिनिमल सा लगा सकते हैं आईलाइनर। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आईलाइनर पसंद है तो इस वजह से मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। तो आपको जिस तरह से पसंद है आप हल्का फुल्का सा आईलाइनर लगा सकते हैं। मस्कारा मैं यहाँ पे इंग्लोट बॉब का यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा और अफोर्डेबल मस्कारा है। वाटर लाइन पे मैं वाइट जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन पे भी हम अच्छे से मस्कारा लगा लेंगे। आई लैशेज ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है। मैंने आई लैशेज यूज़ की है NS की, बहुत अच्छी और अफोर्डेबल लैशेज हैं। आईलैशेज़ मैंने लगा ली हैं और यहाँ पे मैं आईलाइनर को चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरा जेन बना है बाद में कि मैं विंग्ड आईलाइनर ट्राई करूँ। तो वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई थी तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि विंग्ड आईलाइनर ट्राई करूँ। तो वो मैंने ट्राई की है, बहुत ही खूबसूरत लुक बनी है विंग्ड आईलाइनर की। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजी मेथड है। अगर आप इस मेथड से विंग्ड आईलाइनर बनाने की कोशिश करें तो आप भी यकीनन बना सकते हैं। मैं भी अभी ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना सकती, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस पर। तो इंशाल्लाह आई होप कि मैं एक दिन बहुत ही अच्छा बना सकूँगी। और आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें तो आप भी बनाना सीख जाएंगे।